चुनाव आयोग ने एक साथ 6 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही इन सभी 7 विधानसभा सीटों पर आज से आदर्श आचार संहिता लग गया है। जिन जिन सीटों पर चुनाव होना है वहां का सियासी पारा गर्म हो गया है। चुनाव आयोग की घोषणा के अनुसार उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, झारखंड, त्रिपुरा सहित देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर 5 सितंबर को उपचुनाव का मतदान होगा। वोटों की गिनती 8 सितंबर को होगी। चुनाव आयोग के अनुसार यूपी के घोसी, झारखंड की डुमरी और केरल के पुथुपल्ली विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। वहीं त्रिपुरा के बॉक्सानगर और धनपुर विधानसभा सीट पर 5 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल के धूपगुड़ी एससी और उत्तराखंड के बागेश्वर एससी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। यूपी के घोसी और त्रिपुरा के धानपुर विधानसभा सीट पर मौजूदा विधायक के इस्तीफा देने के कारण उपचुनाव होने जा रहा है। त्रिपुरा के धानपुर विधानसभा सीट प्रतिमा भैमिक के इस्तीफे के बाद खाली हुई, तो इसी तरह उत्तर प्रदेश के घोसी विधानसभा सीट दारा सिंह चौहान के इस्तीफे के बाद खाली हुई, जबकि बाकी सभी 5 विधानसभा सीट के मौजूदा विधायकों के निधन हो जाने के कारण उनकी सीट पर उपचुनाव हो रहा है। झारखंड के डुमरी सीट जगन्नाथ महतो के निधन के बाद खाली हुई, केरल के पुथुपल्ली विधानसभा सीट ओमान चांडी के निधन, त्रिपुरा के बॉक्सानगर सीट शमसुल हक के निधन, पश्चिम बंगाल के धूपगुड़ी विधानसभा सीट विष्णु पांडे और उत्तराखंड के बागेश्वर सीट चंदन राम दास के निधन के बाद खाली हुई। चुनाव की अधिसूचना 10 अगस्त को जारी होगी। 17 तारीख तक नामांकन पत्र जमा किए जा सकेंगे। नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है। इस सभी 7 विधानसभा सीट पर 5 सितंबर को वोटिंग होगी, जबकि 8 सितंबर को वोटों की गिनती होगी।